नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता है यूट्यूब चैनल। यूपी के मऊ जिले के नगर क्षेत्र स्थित डॉक्टर भीमराव स्पोर्ट्स स्टेडियम में ODF ओलंपिक प्रतियोगिता का जिला स्तरीय कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को साफ सफाई के लिए जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। इस प्रतियोगिता में दौड़, कुश्ती, कबड्डी आदि खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। न्याय पंचायत स्तर पर खेल में विजेता खिलाड़ियों को ब्लॉक स्तर पर छटनी करके इसके बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों द्वारा शौचालय से लेकर खेल के मैदान तक साफ सफर तय करने की कहानी भी सुनाई गई। इस ओलंपिक ODF ओलंपिक के प्रभारी अतुल वस्त ने बताया कि ODF ओलंपिक का यह जनपद स्तरीय कार्यक्रम है। यह प्रतियोगिता न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक पर पहुंची और इसके बाद जनपद स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। आज ये जनपद स्तरीय कार्यक्रम है हमारे ODF ओलंपिक जो हमारी नया पंचायत से चलकर ब्लॉक पंचायत पर, ब्लॉक पंचायत से जनपद स्तरीय कार्यक्रम है। तो जो नया पंचायत के विनर्स थे वो ब्लॉक पे छटे और ये ब्लॉक के जो विनर्स हैं आज वो फाइनली यहाँ पर अपने हुनर को, अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। इसको हम लोगों ने स्वास्थ्य को खेल के साथ जोड़ा है। जितने भी हमारे विजेता होंगे आज यहाँ पर, ये सब एम्बेसडर्स हैं जो आगे चल के स्वस्थ रहने का, शौचालय के मैदान से और खेल के मैदान तक का सफर उसके बारे में बताएंगे। जो अच्छा किस तरह की जो है लाभ पहुंचाने की योजना है, लोग एम्बेसडर्स बनाएंगे, स्वच्छता के एम्बेसडर्स। और हमने बीच में भी एक मुहिम शुरू की थी जिसमें था सेल्फी विद शौचालय। तो जितने भी बच्चे आज जीतेंगे उनको हम अपने साथ जोड़े रखेंगे और ये हमारी एक तरीके से एक आर्मी तैयार हो रही है जिसको स्वच्छता आर्मी हम कह सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।